हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी मेरे स्टूडेंट और सर, टीचर, मैम को और दूसरे भी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबको नमस्कार। तो एक वीडियो और लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो ये है कि हमें इस पेन को चलाने का सही तरीका क्या होगा। तो देखें, मैंने पहले से ही इसमें जो ऊन का धागा है डाल रखा है, मैं नया वाला ऊन का जो गोला है इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो वेस्टेज ऊन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक लंबा ऊन का धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस फ्रेम के ऊपर मैंने पेन की मदद से, मैंने क्या बताया था, पेन या पेंसिल से कोई भी अच्छा सा छोटा बड़ा ड्राइंग प्लेस इसे के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहे। मैंने एक लेटर इसके ऊपर पेन से पहले से ही बना रखा है आर। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा। तो इस पेन को कैसे चलाना है, बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको यहाँ पर ये जो लाल वाला स्प्रिंग दिख रहा है, ये जो रेड स्प्रिंग है, हमने इसके ऊपर इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका एंड पॉइंट होता है। बहुत सारे हमारे पेन में स्प्रिंग की जगह सिर्फ पाइप भी होगा, आप उससे टेंशन ना लें। ठीक है, ये ओनली डिज़ाइन के लिए डाला जाता है और इसका एंड पॉइंट होता है, यानी कपड़े में ज़्यादा ना जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से बनाना। देखो, आपको स्प्रिंग तक जब भी इस पेन को चलाना है पूरा टच करना है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा उजाले में हम इसे शूट करेंगे। उठाना कम और फुल टच करना है। देखो, स्प्रिंग तक ये पूरा जाने देना है। ठीक है, कम उठाएंगे फुल टच करेंगे, और थोड़ा सा उठाएंगे इसे फुल टच करेंगे, यानी उठाना कम है और डुबोना ज़्यादा है। देखो, आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ये बनता जा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा आपको समझाने के लिए बहुत स्लो में धीरे धीरे से इसे बना रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं चाहूँ तो इसे एक सेकेंड में ही बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम इसे धीरे धीरे चला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे चलाना है। देखो, बहुत ही कम समय में, कम से कम मेरे हाथ देख लो, इतना बड़ा लेटर मैंने बनाया है। ठीक है, और इस लेटर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको जिस भी डायरेक्शन में इस पेन को घुमाना है उस डायरेक्शन में आप घुमा लीजिए इसे। देखो, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है इसे बनाना। कोई इतना हार्ड काम नहीं है कि आप बहुत देर में, बहुत टाइम लगेगा, बहुत घंटे लगेंगे इसे बनाने में। आप ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे लेटर वगैरह बना सकते हो। आप चाहे तो अपना जींस का पेंट वगैरह होता है हमारे यहाँ पर बॉयज़ के पास, भैया लोगों के पास। ठीक है, आप जींस का पेंट या कोई कपड़ा होता है किसी के ऊपर भी आप बना सकते हो, डिज़ाइंस वगैरह जो भी अच्छा लगे। देखो, ये कला है, इसे आर्ट भी बोल सकते हैं, आर्ट कला होती है। तो आप इसे सीखेंगे, अच्छी बात है। आप खुद यूज़ करो, अपने घर के फैमिली मेम्बर के लिए उनको सिखाओ। आर्ट जो है हमें सभी को सिखानी चाहिए। तो ये आर जो है, देखिए हम कंप्लीट होने वाला है बस। तो हमेशा ये याद रखें कि आप लोगों को पेन या पेंसिल से पहले कोई आउटलाइन ड्रॉ कर लो। देखो, मैंने ये कार बनाया था उसके ऊपर मैं पेन को चलाते जा रहा हूँ, कितने अच्छे से मेरा ये डिज़ाइन बन रहा है, बिना किसी लाइन ना टेढ़ी हो रही है ना कुछ। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ऊन का धागा हमने बहुत लंबा ले लिया और ऐसे जो ऊन का धागा इसमें बस से रहा है। ठीक है, पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ से देखो पेन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और यहाँ से आगे से नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कर लो आपको आसान रहेगा। यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ढीला बन जाए। मैंने बताया था आपको, स्कूल में भी बहुत बार बताया। देखो, इस तरह का बनेगा यहाँ पर, ये सीधा वाला हिस्सा होगा, ये कटिंग वाला हिस्सा होता है। हम इसे ऐसे खींच के सीधा करेंगे, ऐसे खींच लेंगे, तो खींचने से थोड़ी बहुत जो ढीली सिलाई होगी वो टाइट हो जाएगी। टाइट करने के बाद आपको याद रखना है ये जो नोट है, हो सकता है मैंने बहुत सारे स्कूल में आपको नोट के बारे में कट करना नहीं बताया हो जल्दी जल्दी के कारण, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद जो हमने जो गांठ लगाई थी यहाँ पर, वो यहाँ पर रह जाएगी। तो पहले इस नोट को कट कर लीजिए। ठीक है, नोट को कट करने के बाद फिर इसको कट करना है। अब इसे कट कैसे करना है हम आपको आगे एक छोटा सा आगे एक वीडियो में बताएंगे कि इसको कटिंग करने का प्रोसेस क्या है, कैसे अच्छे से आप इसे काट सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी छोटा बड़ा काट सकते हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाएँगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि इस पेन से आप आउटलाइन बना के, पेन पेंसिल से आउटलाइन बना के ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, मेरा वीडियो यहीं तक था। एक बात और कहेंगे, देखो हर वीडियो में मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप।
इससे फ़ायदा होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, वैसे ही आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, पेन चलाने में ये हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में एक वीडियो हर चीज़ के बारे में आपको, हर प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बना के इस चैनल पर डालेंगे। देखो मैं तो स्कूल में बार बार नहीं आ सकता, लेकिन वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अच्छा रहेगा, कोई भी वीडियो आएगा आप तक पहुँच जाएगा, और वीडियो को पूरा देखना।